फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आज हम जा रहे हैं हमारे दादा दादी से मिलने के लिए और रेयांस के बड़े नाना जी और नानी जी के से मिलवाने के लिए। तो देखिए, यहां हमारा बेटा बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। हम घूमने जा रहे हैं बेटू, हम मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? हम बड़ी नानी बड़ी नानी से मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ मेरा बेटा कितना एक्साइटेड है मिलने के लिए सबसे, आप देख सकते होंगे। देखिए वो कितना खुश है। चलिए, यहाँ हमने कैब ले लिया है। हम कैब से जा रहे हैं कोलकाता के राजरहाट न्यू टाउन, जहाँ मेरा जो भाई है, कज़न ब्रदर, वो वहाँ रहता है। मेरे दादा दादी वहीं पे आए हुए हैं, तो हम रियांस को लेकर फर्स्ट टाइम वहीं पे जा रहे हैं। तो ये हम ऑन द वे हैं। देखिए, ये न्यू टाउन राजरहाट है। उसने अभी न्यू फ्लैट ली है अपनी, वो अपनी वाइफ के साथ वहीं पे रहता है। तो हम वहीं पे उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। रियांस भी अपने मामा मामी से फर्स्ट टाइम वहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, ये हम जा रहे हैं, ट्रैफिक हो रखी थी, हमें जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमारे घर से जाने में विद इन हम 25 मिनट्स में वहाँ पे पहुँच गए। मैं आज आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी कि रियांस ने पूरे दिन क्या क्या किया, फिर सबके साथ वो मिलने के बाद कैसा रहा उसका। तो ये हम अब पहुँचने वाले हैं, ये हम पहुँच चुके हैं। ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मेरा भाई रहता है। तो ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स है। ये मैं आपको उसके बालकनी से मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था, वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे पार्किंग हो रखी है। ये बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्स थी, छोटी सी पार्क भी है यहाँ पे बच्चों के लिए। तो अच्छी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, वो 7th फ्लोर पे रहता है। तो पहले तो रियांस बहुत खुश था उसे भाई को देख करके। वो जब हमें आया बाहर रिसीव करने के लिए, तो उसके पास एक बार में चला गया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हम लोगों को अंदर एंट्री करवाने के लिए लेके आया, तो वहाँ पे आने के बाद जैसे वो हम लोग लिफ्ट में चढ़े कि बस वो फर्स्ट टाइम उसका वो एक्सपीरियंस लिफ्ट वाला। ये हम जा रहे हैं उसके घर की तरफ। ये देखिए, इस तरह से ये हो रखा, यहाँ से हम घर में एंट्री लेंगे। बस वो इतना तेज़ी से रोने लगा, उसको डर हो गया लिफ्ट से, फिर वो उसके पास ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। ये हम घर पर पहुँच चुके हैं। यहाँ ये घर की मंदिर है, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। देखिए, घर में बहुत ही सुंदर सी मंदिर है। ये शिव जी की एक मूर्ति है, यहाँ पे माता रानी यहाँ पे विराजमान है। तो बहुत ही घर को बहुत सुंदर से डेकोरेट कराया है भाई ने। तो बहुत सुंदर लगा मुझे घर उसका, बहुत ही प्यारा घर है उसका। ये मेरे भाई का रूम है, यहाँ पे उन दोनों की पिक लगी हुई है। यहाँ देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया है, ये भाई का रूम है। 2 BHK का रूम है, काफ़ी सुंदर सा, बहुत अच्छे से दोनों ने मिलकर इसे डेकोरेट किया है। ये देखिए, यहाँ पे रियांस की मस्ती चल रही है। ये मेरा छोटा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है, मेरे छोटे अंकल का लड़का है। तो उसके साथ रियांस की दोस्ती हो गई है, वो उसके साथ खेलने में बिजी है। यहाँ देखिए वो कैसे खेल रहा है। ये देखिए, ये नाश्ता आ गया हमारे लिए। ये रियांस प्लेट को फेंकने में बिज़ी है कि मैं कब ये सब लूँ और फेंक दूँ, लेकिन मेरा भाई उससे मोबाइल में इंगेज करके रखा है ताकि वो इन सब चीज़ों को फेंके वेके नहीं। तो देखिए, वो देख रहा है मोबाइल, वो किसी के पास जा ही नहीं रहा था, इतना तेज़ तेज़ रो रहा था, सब उसे अनजान लग रहे थे। ये मेरी बड़ी चाची हैं, ये मेरी मम्मी को यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती रसगुल्ले खिलाने में लगी हुई हैं। मेरी मम्मी खाएंगी नहीं, अब मुझे खिलाने के लिए आई हैं।
ये हॉल है, हॉल में यहाँ पे बैठा हुआ है मेरा भाई है, ये मेरी भाभी जी हैं, ये चिकन बना रही हैं, दही चिकन बना रही हैं। देखिए ये साइड हो गई, जैसे कैमरा मैंने ऑन किया कि वो साइड हो गई, यहाँ पे दही चिकन बन रहा है। तो आज की मेन्यू थी दही चिकन हमारे लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी गॉसिप भी कर रहे, मैं यहाँ पे भाई को बोल रही हूँ कि भाई यहाँ पे थोड़ा मेरे कैमरे की तरफ तो थोड़ा सा देख ले, ये मेरा भाई है, तो हम इसी के घर पे आए हुए हैं आज। ये छोटू है, ये बहुत बदमाश है, बड़ा शैतानी कर रहा था। यहाँ पे देखिए मेरी ये दादी जी हैं और मेरी बड़ी चाची हैं, मम्मी हैं, ये लोग आपस में बैठकर इस रूम में अपना गप्पे शप्पे मारने में बिज़ी हैं। काफ़ी दिनों के बाद ये लोग मिले हैं एक दूसरे से, मेरी दादी, मेरी चाची, मम्मी। काफ़ी दिनों से, कब से सोच रही थी मिलेंगे, बातें करेंगे, तो बट हो नहीं रहा था, टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसीलिए। तो आज ये लोग मिल लिए हैं आपस में। और ये मेरे दादाजी हैं, तो मेरे दादाजी यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। इस ये वीडियो मेरे भाई ने बनाई, छोटी सी क्लिप मेरे दादाजी की ली है। और यहाँ पे हमारा खाना रेडी है, चावल और दही चिकन। तो अब हम बस लंच करने वाले हैं, तो लंच हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो रेयांस अभी सो चुका है, क्योंकि वो इतना रो रहा था, वो रही नहीं रहा किसी को, सभी अननोन पर्संस को देख रहा है। तो उसे लग रहा है मेरे दादाजी इतना शौक से उसे लेने के लिए आ रहे थे, बट वो जा ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, सभी को देख के रो रहा था। देखिए दही चिकन कितनी मस्त बनी है, दिखने में ही इतनी लाजवाब लग रही है, तो मुझे लग रहा था मैं कब खा लूँ। बहुत टेस्टी बनी, बहुत टेस्टी बनी थी। यहाँ पे ये सभी खा रहे हैं हम, ये मेरा भाई है, ये अब डांट रहा है छोटे वाले भाई को, पता नहीं क्यों। अब रेयांस भी देख रहे हैं कि उठ चुका है, ये देखिए रेयांस यहाँ पे बैठा हुआ है, टीवी का रिमोट ले लिया उसने, अब वो रिमोट नहीं देगा किसी को, बस इसीलिए परेशान है कि उसे कोई रिमोट ना ले ले। बस वो सोच रहा है मैं कहाँ आ गया हूँ, वो फर्स्ट टाइम बाहर निकला है, किसी के घर पे आया है, तो वो बिल्कुल, मैंने उसे सब कुछ अननोन लग रहा है कि यार मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। वो पूरे घर को देख रहा था बार बार, वो इतना रो रहा था, किसी के पास जाना ही नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी। तो भाई ने इसे थोड़ा कहा कि चलो इसे पार्क ले जाते, वहाँ पे वीडियो बनाने ही नहीं दिया। तो एक ये पिक मैंने वहाँ पे क्लिक की, यहाँ देखिए ये मेरा भाई है, तो मेरा भाई भी आ गया था। तो यहाँ पे उसे मेरा कज़न ब्रदर वो है, वो लेना चाह रहा है कि आओ, बुला रहा है उसे, फिर भी वो जा नहीं रहा है। वो बस रोए जा रहा था कि पता नहीं क्यों उसे किस चीज़ की इतनी परेशानी, प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं, किसी के पास नहीं जा रहा था। पहले फर्स्ट बार में उसके पास चला गया था, फिर अब दोबारा उसके पास जा ही नहीं रहा था, भाई के पास, किसी के पास नहीं जा रहा था, बस इवन वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे ग्रुप सेल्फ़ी लेने में बिज़ी थे कि चलो एक सेल्फ़ी ले लेते हैं यहाँ पे, फिर तो बनता है, बनेगा या नहीं बनेगा, फिर कब आऊँगी नहीं आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये डॉगी भी बैठा हुआ है, वो अब भाग गया। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो हमने यहाँ इसे देखिए, ये पता नहीं आसमान में क्या देख रहा है, मैं उसे पूछ रही थी। अब हम घर आ, रूम में फिर से वापस आ गए, ये अपने फ़ोन में बिज़ी हो गया। यहाँ पे मैं दादी के साथ छोटा सा एक वीडियो बना रही हूँ, कहा कि चलो यहाँ पे हम वीडियो और पिक एक दो ले लेते हैं यार, फिर यादगार के तौर पे रह जाएंगे। यहाँ पे हमारे भाई भाभी ये लोग बाकी हो गए, रह गए थे, इन्होंने लंच नहीं किया था, तो अब वो लंच कर रहे हैं। अब हम अपने घर की तरफ निकल चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया था, तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम अब यहाँ से जा रहे हैं, तो बैक टू द होम। तो आज की अगर फैमिली ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इससे हमें क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके साथ और अच्छी अच्छी ब्लॉग शेयर कर सकें। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियोज़ अच्छी लगे, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताएं, ताकि मैं और भी नई नई वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।